क्या आप यकीन करेंगे तेल मालिश से एक लड़के की मौत हो गई? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई माँ तेल मालिश करके अपने ही बेटे को मौत की नींद सुला दे? यकीन करना तो हमारे लिए भी मुश्किल है, लेकिन ये एकदम सच्ची खबर है। जी हाँ, एक माँ ने अपने 23 साल के बेटे के पैर की मालिश की और वो मर गया। अमूमन हम सब लोग ये समझते हैं कि तेल की मालिश राहत देती है। अक्सर घरों में देखा जाता है कि हाथ पैर या फिर बॉडी के किसी हिस्से में चोट लगी या फिर फ्रैक्चर हुआ तो सलाह दे दी जाती है कि तेल की मालिश करो, इस तेल का इस्तेमाल करो, उससे हाथ पैर सहलाओ वगैरह वगैरह। मगर मालिश करने वालों के लिए रिपोर्ट एक चेतावनी से कम नहीं है, क्योंकि बिना जानकारी मालिश करना जानलेवा हो सकता है। दरअसल ये घटना पिछले साल 31 अक्टूबर की है, जब इमरजेंसी वार्ड में एक 23 साल की लड़की को भर्ती कराया गया था। उस वक्त वो होश में नहीं था। बाद में पता चला कि उसकी माँ ने 30 मिनट तक उसके पैर की मालिश की थी। इस मालिश के बाद उसे बाएं घुटने में तेज दर्द होने लगा और वो अचानक बेहोश हो गया। ऐसा उसके साथ इसलिए हुआ क्योंकि मालिश की वजह से खून का थक्का उस जगह पहुंच गया जहां से ब्लड सप्लाई होती है, और ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस बात का पता उस वक्त चला जब मौत के बाद पोस्टमार्टम किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर चित्रंजन बेहरा का कहना है कि फ्रैक्चर के बाद ब्लड क्लॉट होना एक आम बात है, लेकिन इसकी वजह से किसी की मौत हो जाना ये सामान्य नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल पहुंचने के बाद वो लड़का काफी देर से बेहोश था और बहुत कोशिशों के बाद भी होश में नहीं लाया जा सका। इस दुखद घटना के बाद एम्स के डॉक्टरों ने तेल की मालिश को लेकर लोगों को चेताया है। इस शख्स की मौत के बारे में मेडिको लीगल जर्नल में छापा गया है। एम्स ने चेतावनी दी है कि बिना जानकारी के चोट लगने पर तेल की मालिश ना करें। एम्स में फॉरेंसिक मेडिसिन के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि लंबे वक्त तक जोर लगाकर मालिश करने से ये खतरनाक हो सकता है। ऐसा 1 लाख में से 70 मामलों में हो सकता है। साथ ही उन लोगों के साथ भी हो सकता है जो बुजुर्ग हैं या फिर नशा करते हैं। तो अब अगर चोट लगे तो सड़क किनारे बैठे पहलवान के पास दौड़ने के बजाय हॉस्पिटल जाकर चेकअप करा लेना, क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि लोग चोट लगने के बाद सड़क किनारे बैठे पहलवानों से ही अपनी हड्डी की मालिश करवा लेते हैं, वो भी पूरी ताकत के साथ। मगर बिना जानकारी के तेल मालिश नुकसानदेह हो सकती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।